हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया स्लैब के बारे में कि स्लैब होती क्या है और वन वे स्लैब टू वे स्लैब हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक, और उसके कुछ थंब रूल के बारे में हमने देखा जो कि IS कोड में गिवन है। उसके बाद आज हम बात करेंगे स्लैब की एक ड्राइंग के बारे में, ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो आप हम आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आज हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए, ड्रॉ द longitudinal section and sectional plan of a RCC slab, reinforced cement concrete slab with the help of following data. ठीक है, तो इसमें longitudinal section और sectional plan इन दोनों को draw करना है। RCC स्लैब की जो साइज गिवन है हमको वो कितना है, 4 मीटर × 8 मीटर, मतलब 4 मीटर चौड़ा 8 मीटर लंबा, ठीक है। ये दो डायमेंशन गिवन है, एक है हमारा लॉन्गर स्पैन और एक है शॉर्टर स्पैन। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है मेन रीइंफोर्समेंट इज 14 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब 14 mm डाया का मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm। और एक लाइन और लिखा है यहाँ पर, अल्टरनेट बार्स विच बैंड अप L/7 डिस्टेंस, मतलब कि जो मेन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो एक के बाद दूसरी वाली बैंड अप की जाएगी, ठीक है। ये बैंड कैसे करेंगे अल्टरनेट, ये भी हम क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, सेक्शन प्लान जब बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार पर। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमको कितना गिवन है, 10 mm डाया का, और जिनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 250 mm सेंटर टू सेंटर, और वॉल की थिकनेस हमको कितना गिवन है 300 mm। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बियरिंग ऑफ स्लैब ऑन वॉल, मतलब जो वॉल के पार्ट पर स्लैब ओवरलैप करेगा जितना पार्ट, उसे हम कहते हैं बियरिंग, तो वो कितना गिवन है 150 mm, और क्लियर कवर हमको कितना गिवन है 20 mm, और एंड कवर कितना हमको 30 mm। स्लैब थिकनेस कितना गिवन है 150 mm, मतलब स्लैब की जो मोटाई होगी वो कितना गिवन है 150 mm। तो अब हमने ये क्वेश्चन देखा, अब इसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या गिवन है, RCC स्लैब की डायमेंशन। तो हम देखेंगे ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब देखने के लिए मैंने बताया था लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन। तो यहाँ लॉन्गर स्पैन कितना है 8 मीटर, शॉर्टर स्पैन कितना है 4 मीटर, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है वन वे स्लैब। तो ये हमारी कैसे स्लैब हो गई, वन वे स्लैब, क्योंकि अगर लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, इनका रेशियो देखते हैं, तो वो कितना आता है हमारा 2। और हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था स्लैब के कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो जो होता है हमारा, अगर 2 या 2 से बड़ा आता है तो हमारा क्या होता है वन वे स्लैब, ठीक है। तो इसमें हम मेन रीइंफोर्समेंट एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं जो कि शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड करते हैं, ओके। वन वे स्लैब में हम रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट को शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग और
डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को डिस्ट्रीब्यूशन बार को लॉन्गर स्पैन के पैरेलल प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे क्या चीज़, स्केल। तो स्केल हम कितना ले लेंगे इसके लिए, 1:20। स्केल हमने कितना लिया, 1:20। स्केल हम कितना ले रहे हैं, 1:20। दैट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने स्केल एज्यूम कर लिया। अब देखेंगे कि और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है ये, कि जब भी हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं, स्लैब को जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो वो हम शॉर्टर स्पैन के अलोंग डिज़ाइन करेंगे हमेशा, ठीक है। ये हमारा IS कोड कहता है, हमारा IS कोड 456-2000 कहता है कि जब भी हम स्लैब की डिज़ाइन करेंगे तो वो हमेशा हम शॉर्टर स्पैन के अलोंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी उसी के अलोंग करते हैं। तो हमको शॉर्टर स्पैन हमारा कितना गिवन है, 4 मीटर। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 4 मीटर, और साथ के साथ हम लेंगे वॉल की थिकनेस। तो वॉल की थिकनेस कितना गिवन है, 300 mm, मतलब 0.3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों साइड वॉल होगा। देखो ये हमारी स्लैब है, अगर ये स्लैब एक तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास ये स्लैब है तो 4 मीटर, और इसके आगे वॉल भी तो होगा, ये वॉल होगा हमारा। तो ये वॉल की थिकनेस कितनी होगी, ये ले लेंगे, और ये पार्ट हमारा बियरिंग का हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी हमारी, और इसी तरह इस साइड भी होगा, तो हम टोटल लेंथ ऊपर कितनी होगी, ये हो गया स्लैब की लेंथ 4 मीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे वॉल की थिकनेस को, यहाँ तक हमारी है, ठीक है। तुम्हारा क्लियर स्पैन कितना हो गया, 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर क्लियर स्पैन हो गया। और दोनों वॉल की थिकनेस, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों वॉल की थिकनेस मिला कितना होगा, 0.6 मीटर। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा रहेगा 4.6 मीटर। अब इसको इस सेंटीमीटर में ले आएंगे तो हमारा 460 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्केल पे ले आएंगे तो हम इसको हमारा जाएगा 23 सेंटीमीटर। अब हम 23 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम 23 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये 23 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको नीचे वॉल इसकी बनाएंगे, ठीक। तो ये वॉल की लेंथ ये आप कितनी भी रख सकते हैं, बस देखने में जितना अच्छा लगे उतने तक हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हम बना लेंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे क्लियर स्पैन वाला जो पार्ट है उसको हम मार्क कर लेंगे इस वाली लाइन पर, और वॉल की थिकनेस जितनी है उसको हम मार्क कर लेंगे। तो वॉल की थिकनेस हमारी कितनी थी, 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20। स्केल पर आएगा तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, अपना वॉल ये यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह हम इस साइड भी मार्क कर लेंगे, ये हमारी हो गई वॉल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमको बियरिंग कितना गिवन है, बियरिंग, ठीक है, जो वॉल पर स्लैब का पार्ट जितना ओवरलैप है उसे हम कहते हैं बियरिंग। तो वो बियरिंग कितना है हमारा, तो बियरिंग हमारा 150 mm, दैट मीन 15 सेंटीमीटर। स्केल पर इसको ले आएंगे तो ये कितना आएगा, 0.75
सेंटीमीटर, तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको 0.8 हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम वॉल के एंड से, ठीक है, हम 0.8 बियरिंग के लिए मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0.8 है, यहाँ पर कुछ आएगा। सेम उसी तरह हम इस साइड भी 0.8 मार्क कर लेंगे, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे स्लैब की थिकनेस हमको कितना गिवन है। तो स्लैब की थिकनेस हमको कितना गिवन है, 150 mm, दैट मीन 15 cm। 15 cm को स्केल पे ले आएंगे हम, तो ये हमारा कितना आएगा, 0.75 cm, ठीक है। तो स्केल पे हम ये कितना आ गया, 0.75 cm। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 0.8 लेकर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0.8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, 0.75। तो 0.8 हमारा कहाँ पर आएगा, इसको हम मार्क कर लेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 1 भी मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम इसको 1 तक मान लेते हैं स्लैब को की थिकनेस को। उसी तरह हम इस साइड भी स्लैब की थिकनेस को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों साइड मार्क कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्लैब बन जाएगी। इसके बाद हम वॉल की थिकनेस जो थी उसको हम बना लेंगे। ये हमारी वॉल की यहाँ थिकनेस थी, अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। उसी तरह हम इस साइड के भी वॉल को बना लेंगे, और हम नीचे ये कॉन्टिन्यूस को शो कर देंगे कि नीचे हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और इसी तरह हम इस साइड भी कंटिन्यूअस शो कर देंगे, ओके। अब इसके बाद देखो, यहां पर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से कंक्रीट में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर में फेलियर ना हो, कंक्रीट एक्सपेंड कर सके और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रह सके, ठीक है। तो इसको हम प्रोवाइड कितना करते हैं, 2 cm, ठीक है, मीन्स 20 mm। तो 2 cm मतलब स्केल पे अगर ले आएंगे हम, ठीक, कितना आएगा, 0.1 cm, मतलब 1 mm। 1 mm के इतना हम इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। 1 mm इसको हम डार्क कर देते हैं। सेम उसी तरह इस साइड भी हम 1 mm डार्क कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया एक्सपेंशन गैप, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट को। तो रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हमको कवर एज्यूम करना पड़ेगा। अगर गिवन तो ठीक है, नहीं तो एज्यूम करना पड़ेगा। बट हमारे इस क्वेश्चन में क्लियर कवर हमको गिवन है। क्लियर कवर हमारा कितना है, 20 mm, ठीक है।
तो 20 mm को स्केल पे अगर ले आएंगे तो हमारा मतलब स्केल सेंटीमीटर में पहले आएगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्केल पे ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, दैट मीन 1 mm, ठीक है। और एंड कवर हमारा कितना है 30 mm, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20, तो ये हमारा 0.15 स्केल पे आएगा इतना, ठीक है। तो 1.5 mm, मतलब कि 1 mm हमको क्लियर कवर छोड़ना है और 1.5 mm एंड कवर ड्राइंग में छोड़ना है, स्केल के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से 1 mm क्लियर कवर छोड़कर अपना रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एंड्स पे हमको कितना छोड़ना है 1.5 mm, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर लेंगे, अभी यहाँ पर हुक हम प्रोवाइड कर देंगे अपना, उसी तरह हम इस साइड भी हुक प्रोवाइड कर देंगे एंड कवर 1.5 mm छोड़कर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में हमको गिवेन है कि जो हमने मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो अल्टरनेट पर बेंड होती है कितने डिस्टेंस पर, L/7 डिस्टेंस पर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है कि L/7 में जो L होता है वो हमारा क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर स्पैन में बियरिंग ऑन वॉल का, मतलब वॉल पर जितना बियरिंग होगा उसका हाफ दोनों साइड से एड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी बियरिंग कितनी है, ये बियरिंग हमारी 0.8, तो इसका हाफ कितना आएगा 0.4, कितना आएगा 0.4 इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो ये हम स्केल पे भी देख रहे हैं, तो हमने ये मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लियर स्पैन हमारा है कितना टोटल। तो क्लियर स्पैन टोटल देखने के लिए देखो, सबसे पहले क्लियर स्पैन हमारा 4000 mm, ये तो कि हमारा क्लियर स्पैन, प्लस बियरिंग का हाफ यहां पर कितना होगा 75 mm, प्लस इस साइड भी 75 mm, क्योंकि ये बियरिंग कितना था 150 mm, तो ये टोटल कितना जाएगा 4150 mm। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से इसको क्या करें डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, इतना 592.8, ये हमारा कितने पे आया mm में, तो mm से हमको सेंटीमीटर में ले आना है इसको, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा गया सेंटीमीटर में, ठीक है। और अब हमको इसको ले आना है स्केल पर, तो स्केल पे ले आने के लिए हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 2.96 सेंटीमीटर, मतलब जो हमको स्केल पे L/7 मार्क करना है वो कितना है 2.96, वो हम कहां से मार्क करेंगे, यहां से हम 2.96 पर मार्क कर लेंगे, मतलब लगभग 3 के करीब में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट टू 3। तो हम इस साइड भी उसी तरह मार्क कर लेंगे अप्रोक्सीमेट टू 3, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको बेंड कर देंगे, बेंड हम कितने पे करते हैं 45 डिग्री पर, कितने पे बेंड करते हैं 45 डिग्री पर। आप सभी MD और ठीक है, तो यहां से हम ऊपर का, यहां पर भी हम 20 mm का कवर प्रोवाइड करते हुए इसकी रिइंफोर्समेंट को बेंड करके प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने रिइंफोर्समेंट यहां पर प्रोवाइड कर दी, उसी तरह हम इस साइड भी प्रोवाइड कर देंगे एंड कवर और क्लियर कवर को छोड़ते हुए,
ओके, तो हमने यहाँ पर बेंड किया है और यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने बेंट अप बार को प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम इसके कई तरीके हैं प्रोवाइड करने के लिए। सबसे इजीएस्ट वे जो है प्रोवाइड करने का, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका सेंटर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करते थे कि सबसे पहले इसका वो देख लेते थे सेंटर, उसके बाद उसकी स्पेसिंग के हिसाब से हम प्रोवाइड कर देते थे। तो सबसे पहले इसका हम देख लेंगे टोटली लेंथ कितनी है, ये हो गया 15 यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर ये हो गया हमारा 21.6। ठीक है, तो 21.6 का हाफ कितना का 10.8। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10.8 पर अब मार्क कर लेंगे। तो 10.8 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ 10.8 पर मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम दो डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट के बीच पे स्पेसिंग कितनी है। तो वो कितना गिवन है, 250 mm, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो स्केल पे ले आएंगे इसको, तुम्हारा कितना आएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 1.25 सेंटीमीटर पर यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। तो 1.25 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसी तरह हम आगे इसको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ये सबसे इजी तरीका होता है प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट को या स्टीरअप्स को प्रोवाइड करने का। ठीक है, बीम में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करते थे और यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट को इस तरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी तरह हम इस साइड भी प्रोवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर इसका देख लेते हैं, एक प्रोवाइड करेंगे हम सेंटर पर, फिर उसके बाद स्पेसिंग देख लेंगे कि स्केल पर कितनी स्पेसिंग है हमारी, और स्पेसिंग के हिसाब से हम मार्क करते हुए बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट बना लेंगे सब। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोवाइड हो गया, एक यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमने मार्क लगाया था और ये हम रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली। इनके बीच में स्पेसिंग कितना है, 250 mm, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने कल बात किया था लाइव लेक्चर में। ठीक है, तो इस तरह हमने रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दी और इसी तरह हम ऊपर में भी रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। सेम स्पेसिंग पर। ठीक है, ओके,
हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो वॉल है इसकी हम हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो वॉल की हैचिंग करने के लिए मैंने बताया था कि हम कितने पे करते हैं, 45 डिग्री पर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 mm, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 1 cm, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारी वॉल बन गई। उसी तरह हम इस साइड भी हैचिंग कर लेंगे। तो ये हमारी वॉल बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी नेमिंग कर लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा है L/7 मार्क करेंगे, ठीक है। इस साइड भी और इस साइड भी हम L/7 मार्क कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ये हमारा कितना डिस्टेंस है, L/7, ये L/7 हमारा, और ये वाला भी कितना है, L/7। उसके बाद हम अपना इफेक्टिव स्पैन दिखाएंगे, ठीक है। क्या शो करेंगे, इफेक्टिव स्पैन, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा है कितना वो हम यहां पर शो कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहां पर क्लियर स्पैन शो करेंगे। तो क्लियर स्पैन हमारा यहां से यहां तक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर स्पैन। ये क्या हमारा, क्लियर स्पैन, ओके। और ये हमारा कितना है, ये हमारी विड्थ ऑफ वॉल है। विड्थ ऑफ वॉल हमको कितना गिवन है, 300 mm, ठीक है। और हमको ये बियरिंग कितना गिवन है, ये हमारा है बियरिंग, ये बियरिंग कितना गिवन है, 150 mm, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सपेंशन गैप,
ठीक है। उसके बाद हम ये हमारा क्या है मेन बार कितना 14 mm डाया, ठीक है, कितने स्पेसिंग पे 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमारा कितने का 10 mm डाया, ठीक है। इनके बीच की स्पेसिंग कितना है 250 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। और ये हमारी कौन सी बार है बेंट अप बार, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एल सेक्शन। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका सेक्शनल प्लान, ठीक है। तो सेक्शनल प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसका हम सबसे पहले यहां से प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। आप अलग से भी लाइन ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं, बट सबसे इजी वे है कि मतलब आराम से इसको प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर लें और आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा ये प्रोजेक्शन हो जाएगा और उसी तरह हम इसका प्रोजेक्शन इस साइड से भी बना लेंगे, ठीक। और अब हम इसको यहां से मिला देंगे, ओके। अब इसके बाद देखो यहां पर ये हमारी वॉल है, ऊपर से देखेंगे तो ये वाली वॉल की लाइन हमको दिखेगी नहीं, मतलब ये वॉल का पार्ट दिखेगा नहीं। तो इसको हम सेक्शनल प्लान में डॉटेड से शो करते हैं। तो ये हमारा कितना है 300 mm स्केल पे हमने कितना लाया था इसको 1.5, ठीक है। तो हम इसको भी यहां से इसका डॉटेड लाइन बना लेंगे, तो ये हमारी वॉल बन जाएगी। ये डॉटेड क्यों बना है पता चल गया ना, क्योंकि ये हमको शो नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको डॉटेड में बना रहे हैं, ये हम चारों साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। उसके बाद हम इसको इधर से इसका प्रोजेक्शन लेकर बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बियरिंग है उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो इधर से ये देख लेंगे कितना गैप है, ये वाला ये हमारा है
0.8, ठीक है, 0.8 नहीं होगा, एक मिनट, ये टोटल 1.5 है और बियरिंग हमारा कितना था, 150 मतलब 15/20, ये 0.75, 0.8, तो 1.5 हमारा 0.7 आएगा करीब, ठीक है। तो ये अब इसको हम यहाँ से सिंपल ऐसे मार्क कर लेंगे, तो ये हम प्रोजेक्शन लिखे यहाँ पर, ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हम प्रॉपर लाइन में ड्रॉ करेंगे और उसी तरह हम यहाँ से भी मार्क कर लेंगे। और ये हम इसको यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेके बना लेंगे, ओके। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया एक्सपेंशन गैप, तो एक्सपेंशन गैप हमने प्रोवाइड किया तो इसको हम 1 mm डार्क कर देंगे, ठीक है, 1 mm हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे इसको, और इस साइड भी हम इस तरह 1 mm डार्क कर लेंगे। और ऊपर साइड में भी हम 1 mm डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सपेंशन गैप बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो क्लियर कवर, सॉरी एंड कवर हमने यहाँ प्रोवाइड किया था उसको भी हम इसमें मार्क करेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन लेकर हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतने पर आएगा यहाँ पर ऐसे, और इसका कवर हम कितना लिए थे, 30 mm, तो यहां से हम कवर यहां पर मानकर इधर बनाकर हम इसको बना लेंगे, ठीक है। और हम यहां से इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ओके, इसको ऐसे मिला दें। अब ये बन गया हमारा आउटर पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बार जो है हमारी यहां से इसके ऊपर से चढ़ी हुई यहां तक जाएगी, ठीक है, और इसको हम दिखा देंगे यहां से कंटिन्यूअस, यहां से हमारा ये कंटिन्यूअस है, तो हमारा कंटिन्यूअस बन गया। और अब हम इसको लाइन को बना देंगे पूरा, यहां से यहां तक मिला देंगे, ठीक है, इसको हम कंटिन्यूस शो कर देंगे। ये हमारा विड्थ के अकॉर्डिंग है और ये हमारी इसकी लेंथ है, ठीक है, मतलब ये 4 मीटर और ये 8 मीटर हमारा है।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को पहले प्रोवाइड करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है वो हम इसके शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड करेंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, मेन रिइंफोर्समेंट तो ऐसे प्रोवाइड कर देंगे शॉर्टर स्पैन के पैरेलल, बट डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट को हम इसके लॉन्गर स्पैन के पैरेलल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहां पर ड्राइंग में जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करेंगे हम वो हमारी मेन रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट हम यहां से इसके प्रोजेक्शन की हेल्प से हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये यहां से ऐसे बनेगी। ओके, उसी तरह हम बनाते हुए आगे चलेंगे। तो ये हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट अपना बना लेंगे। और हमारा आईएस कोड भी कहता है कि मेन रिइंफोर्समेंट वन वे स्लैब में हम शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि हम स्लैब में डिजाइन किसके रिगार्डिंग करते हैं या किसके अकॉर्डिंग हम स्लैब में डिजाइन करते हैं। तो वो हम किस स्पैन के अकॉर्डिंग करते हैं, शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे साथ के साथ। तो इस तरह ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट बनके तैयार हो गया। ओके, अब इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे अपना मेन रिइंफोर्समेंट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट यहां तक पहुंच गई, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या थी, ये वॉल, तो रिइंफोर्समेंट यहां आगे तक प्रोवाइड है, तो इसलिए ये पूरा यहां तक प्रोवाइड है इस डॉटेड लाइन के ऊपर तक। ओके, अब इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे अपना मेन रिइंफोर्समेंट। तो मेन रिइंफोर्समेंट में देखो हमको गिवन है कि अल्टरनेट पर एक बार को बेंड किया गया है। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, जैसे ये दो बार है हमारी, ठीक है, और इसके बाद ये थर्ड बार है हमारी, ये तीन बार है अगर हमारी, तो इस बार को बेंड नहीं, इसको नहीं किया गया, इसको बेंड किया गया, फिर इसको नहीं किया, इसके बाद वाली को बेंड किया गया, ऐसे अल्टरनेट करके हम प्रोवाइडेड है हमको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ले लेंगे किसका, इसका। ठीक है, बेंट अप का कि कितने पर बेंट किया गया है, तो इसका प्रोजेक्शन हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, इसको हम बहुत ही लाइट बनाते हैं, ये दिखे नहीं, सिर्फ आपको दिखना चाहिए ड्राइंग में। ठीक है, इसलिए इसका हम प्रोजेक्शन बहुत ही लाइट लेते हैं। ओके, तो ये और ये हमारा एल बाई सेवन के उस पर बना लिया हमने। ठीक है, ये हमारा L बाई सेवन पे इधर एक है और एक इधर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लाइट बना लें या फिर डार्क बना लें, फिर बाद में इसको जब बना लें तो उसको हल्का सा मिटा दें, लेकिन फिर लाइन मिटने का डर रहेगा, लेकिन इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप लाइट लाइट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी कवर कितना है हमारा, 200 mm, 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 स्केल पे लाएंगे तो 1 सेंटीमीटर पे हम इसकी रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेंगे। तो एक ये हो गया हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस तरह हम पहले मार्क कर लेंगे। ओके, दोनों साइड इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि इसको लाइन सीधी आए, मिलाने में कोई दिक्कत ना हो इसको ड्रॉ करने में।
ठीक है। अब देखो, हम इस वाली लाइन को तो पूरा यहाँ से स्ट्रेट ले जा रहे हैं, ठीक है, ये ठीक। इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में शो करेंगे, क्योंकि इसके बाद बेंट है ये, इसका मतलब क्या है, ये बेंट अप किया गया है, ठीक है। इसकी जो दूसरी लाइन अब हम बनाएंगे उसको अब हम देखो, इसमें तो राइट साइड था, अब इस वाले बार में हम लेफ्ट साइड बेंट अप करेंगे, ठीक है। तो ये हम बेंट अप कहाँ करते हैं, एल बाई सेवन डिस्टेंस तक, ठीक है। तो यहाँ तक बेंट अप हो गया और इसके बाद हमारा ये कंटिन्यू हो जाएगा, ओके। तो ये इस तरह हमारा मेन रिइंफोर्समेंट ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं। एनिमेशन में भी आपने देखा होगा मेन रिइंफोर्समेंट को हम बेंट करके कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये जो होता है हमारा अल्टरनेट पर हम प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है। सो हम किस पर प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट पर, मतलब अल्टरनेट बार को हम बेंट करते हैं, ओके। इसके बाद यहां पर फिर हम ये डॉटेड लाइन, फिर उसके बाद ये वाली बार को अब हम बनाएंगे, इसके लेफ्ट साइड में अब यहां पर होगा हमारा डॉटेड, कहां तक, एल बाई सेवन डिस्टेंस तक। उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यूअस लाइन हो जाएगी जो कि यहां तक आएगी, ओके। फिर उसके बाद हमारी ये वाली भी लाइन कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है, कहां तक, यहां तक कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हमारी लाइन क्या हो जाएगी, डॉटेड, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, बेंड अप किया गया है। और उसके बाद ये वाली भी अब क्या करेंगे हम, अभी तो राइट साइड में था, अब इस लेफ्ट साइड में हम डॉटेड बनाएंगे, कहां तक, एल बाई सेवन डिस्टेंस तक। और उसके बाद हम कंटिन्यूअस कर देंगे लाइन को, ओके। तो इस तरह हमारा ये मेन रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट बनके तैयार होता है। तो अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने से पहले हम वॉल, ये वाला जो पार्ट है हमारा वॉल है आउटर में, तो इसको हम पहले हैचिंग कर लेंगे, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर इसकी हम हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हैचिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे, हैचिंग का मतलब क्या होता है हमारा, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं वॉल को, ठीक है। इस सिंबल से हम किसको डिनोट करते हैं,
वॉल को, जब भी वॉल को डिनोट करना होगा बिल्डिंग आरसीसी ड्राइंग में, तो हम किसे डिनोट करते हैं? हैचिंग से, ठीक है। तो इसकी हैचिंग का डायमेंशन मैंने बताया था कि दो इनके इनके बीच में 1 mm का और दो इनके बीच में 1 cm का गैप होता है हमारा। तो ये हमारा हैचिंग हो गया, मतलब ब्रिक वॉल बन गई हमारी, ठीक। अब इसके बाद हम इसका नेमिंग कर लेंगे। तो नेमिंग में ये हमारा हो गया वॉल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है? एक्सपेंशन गैप, ठीक है। और ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि कितना है? 10 mm डाया का और 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा क्या है? अब ये हमारा है मेन रिइंफोर्समेंट या मेन बार, ठीक है। मेन बार हमारा ये कितना? 14 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ओके, और ये हमारी डॉटेड वाली क्या है? बेंट अप बार है, ओके। और ये बेंट अप हमने कितने पर किया है? 7 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ड्राइंग आरसीसी का बनके कंप्लीट होता है, स्लैब का, ठीक है। तो इसमें हम यही ध्यान देना आप कि ये हमारी जो अल्टरनेट पर प्रोवाइड करते हैं, तो वन एक में हम डॉटेड प्रोवाइड करेंगे एक साइड, तो दूसरी में हम उसके अपोजिट साइड में डॉटेड प्रोवाइड करेंगे। जैसे इस वाली में हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया राइट साइड में, तो उसके अल्टरनेट बार में दूसरी जस्ट उसके बाद वाले बार में हमने उसके लेफ्ट साइड में प्रोवाइड किया है, उसके बाद वाले में राइट साइड। इस तरह अल्टरनेट पर हम बेंड बार को करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? सेक्शनल प्लान। और ये नीचे वाला हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह हमारा ड्राइंग आरसीसी स्लैब का बनके कंप्लीट होता है। तो ये एक्सपेंशन गैप हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जब हमारी जो हमारा कंक्रीट होता है, टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज पर कंक्रीट क्या करता है? एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सपेंशन में वो क्या करता है? बाहर की तरफ फैलना चाहता है। अगर यहाँ पर गैप हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसके फेल होने, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करते हैं, ओके। और एक अगेन दोबारा कि हमारा IS कोड कहता है कि जो भी हम डिजाइन करते हैं वो किसकी रिगार्डिंग करते हैं? शॉर्टर स्पैन के अलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो मेन रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वन वे स्लैब में, वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? किसके अलोंग? शॉर्टर स्पैन के, मतलब शॉर्टर स्पैन के पैरेलल हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे।
देखिए हमने यहाँ मेन रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन के पहले प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये हमारा है शॉर्टर स्पैन, मतलब ये यहाँ से ये वाली लेंथ हमारी कितनी है, ये तो क्लियर स्पैन हो गया, बाकी इफेक्टिव स्पैन और ये हमारा 4.6 टोटल है हमारा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है। और अब हम मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर में जो स्लैब समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ड्राइंग के साथ।